आप सभी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कबाड़ को दोबारा इस्तेमाल में लाने के तो कई नमूने देखे होंगे। इसी कड़ी में बिहार के गया से सामने आ रहा ये अनोखा प्रयास हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। गया में लोगों ने अपनी सूझबूझ और तकनीक से पुराने एरोप्लेन को एक आकर्षक और डिजाइनर रेस्टोरेंट में बदल डाला। इस अनोखे रेस्टोरेंट में लोग न केवल घूम सकते हैं बल्कि लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट को काफी सुंदरता के साथ तैयार किया गया है और ये रेस्टोरेंट मल्टी क्यूसीन है, जहां देसी व्यंजनों के साथ साथ दुनिया भर की तमाम डिशेस उपलब्ध हैं। फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट के होटल मैनेजर प्रवीण भारती ने इस अनोखी पहल के बारे में विशेष जानकारी साझा की। ये एक स्क्रैप से लिया हुआ एरोप्लेन है जिसको कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किए हुए हैं, तो इसको हम लोग ने फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट का नाम दिया हुआ है, जो कि बिहार में फर्स्ट टाइम ये है। क्या खासियत है इसका? खासियत इसकी है कि हम लोग इसमें मल्टी क्यूजिन फूड सर्व करेंगे और बिल्कुल ही यूनिक है और डिफरेंट है, मतलब कि बिहार झारखंड की ये चीज़। और इसमें लग्जरी फील देंगे हम, जो कि एरोप्लेन में होता है, उसमें मतलब कि फूड के साथ देंगे सारा चीज़ सुविधा। क्या कॉस्ट आता है पर व्यक्ति? पर व्यक्ति जो हम लोगों ने एंट्री रखे हुए हैं 300 रुपीज़ एंट्री फी रखे हुए हैं, और ये कंजप्शन आपका जो भी रहेगा उसमें से ये रिडीम हो जाएगा 300 रुपीज़ जब बिलिंग होगा आपका, तो मतलब आपका एंट्री फी जीरो हो जाएगा। कहाँ से कंसेप्ट आया था? ये कॉन्सेप्ट हमारे मैनेजमेंट की जो टीम है गई हुई थी कहीं आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ से इनको एक हुआ कि नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, फिर हमारे मैनेजमेंट ने इस पर वर्कआउट किए और हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किए यहाँ पे। गया ऐसी जगह पर इस तरह का मतलब कंसेप्ट लाना, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहेगा, और ये मद्देनज़र देखते हुए किया गया है कि हर एक मतलब कि लोग बजट का भी जो रहे वो भी एरोप्लेन में क्या होता है वो देख सकें और फूड के एंजॉय कर सकें। अभी तो काफी संख्या में लोग देखने हैं। जी अभी काफी संख्या में आ रहे हैं। क्या है बजट इसका, मतलब एक फैमिली के बारे में अगर पूछा जाए तो? अगर आप 6 का अगर फैमिली मेंबर्स आते हैं तो आपको 2500 रुपीज़ में हो जाएगा आपका खाना।